Assalamualaikum students. I am Ramesh your on-screen chemistry instructor from Tutoria.pk. Students, let's start chapter number two of our book, that is experimental techniques in chemistry. स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल एनालिसिस जब तक स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली केमिकल एनालिसिस के थ्रू ये नहीं देखेंगे कि आपके पास कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है आप कितनी क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं अपने केमिकल सब्सटेंसेस के अलाग और उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि आपने स्टॉक में डिस्कस किया था कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास कौन सा केमिकल कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है कितना रिएक्टेंट जनरेट कर रहा है या कितना प्रोडक्ट बना रहा है तब तक स्टूडेंट्स आप नहीं जान सकते कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं मुख्तु केमिकल रिएक्शन के साथ या केमिकल प्रोसेसेस के साथ यानी कि आप कोई खास उसके कंक्लूजंस या रिजल्ट्स कंक्लूड नहीं कर सकते यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं उसको एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर कर रही होती है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम مختلف तरह के एनालिसिस के थ्रू ये देख रहे होते हैं कि आप कैसे कोई भी एलिमेंट या

एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट टेक्निक से डील कर रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो कि आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या मुख्तु रिएक्टेंट्स को या मुख्तु केमिकल्स को सेपरेट करती हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं मुख्तु एनालिसिस के थ्रू और क्वांटिफाई करती हैं यानी कि वो कितने वेट के अंदर आपके पास कौन सा मैटर कितना ज़्यादा या कितना कम प्रेजेंट है तो ये तो स्टूडेंट्स हमने डिफ़ाइन कर लिया एनालिटिकल केमिस्ट्री को उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री या आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एनालिसिस होते हैं आपके कंपाउंड से रिलेटेड उनको हम दो तरह से डील कर रहे होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारी एनालिटिकल अप्रोच होती है टूवर्ड्स केमिकल सब्सटांसिस वो दो तरह की होती है एक तो स्टूडेंट्स होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है अन है आप नहीं जानते कि वो क्या है

एक्चुअली कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स आप अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसको हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स ये एक तरह का फ्लेम टेस्ट होता है यानी कि आपने किसी भी एलिमेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यानी कि फ्लेम के ऊपर आप हीट करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर कोई भी एलिमेंट क्यों देता है क्योंकि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दैट ऑफ द सप्शन यानी कि आपको फ्लेम में से वो कर वो 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 हीट एब्जॉर्ब करा है और स्टूडेंट्स जब वो वही एनर्जी रिलीज करता है तो वो आपको कलर की फॉर्म में नजर आती है क्योंकि स्टूडेंट्स वो जौन सी वेवल्थ एब्जॉर्ब करा है बिल्कुल वैसी ही वो रेडिएट बैक कर रहा है तो स्टूडेंट्स आपको इन द फॉर्म ऑफ कल वो नजर आती है यानी कि स्टूडेंट्स मैं बात करी हूँ एलिमेंटल एनालिसिस की स्टूडेंट्स जब आप सोडियम को हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर तो गोल्डन कलर देता है वो उसका करेक्टरिस्टिक फ्लेम है यानी कि अगर हमने एलिमेंटल एनालिसिस करना और हमें नहीं पता कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सा प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम प्रेजेंट है सोडियम मेटल प्रेजेंट है आप क्या करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे आप फ्लेम एनालिसिस करेंगे फ्लेम उसका करेक्टरिस्टिक गोल्डन येलो फ्लेम देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सोडियम प्रेजेंट है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास लीथियम हो जाता है जो कि रेड कलर देता है फ्लेम के अंदर पोटेशियम है और कॉपर है तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस की दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स हम जब क्वांटिफाई करते हैं मैटर को किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जब हमने क्वांटिफाई करना होता है यानी कि आपके कौन से केमिकल कंपाउंड के अंदर आपके पास एलिमेंट कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे हमने चैप्टर नंबर वन में डिस्कस किया कि हम करते हैं कंबेशन एनालिसिस जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है फिर हम एम्पेरिकल फॉर्मूलाओं उसे डिड्यूस करते हैं यानी कि मैं बात करी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जिसमें हम ये देखते हैं कि कितनी कंसनट्रेशन में आपके पास कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन

क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फोर मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है स्टूडेंट्स वो सिंगल स्टेप होती है आपने डिटर्मिन करना होता है कि आपके पास कौन सा एलिमेंट आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन की तो आपके पास फोर स्टेप्स होते हैं उससे रिलेटेड सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास सैंपल आता है एनालिसिस के लिए आप उसको वे करते हैं उसके अलावा आपका जो डिजायर्ड कॉन्स्टिटूंट है आप उसको उसमें से सेपरेट कर लेते हैं यानी कि आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड आए आपने उसमें से सेपरेशन कर लेनी है सेपरेशन आप कितने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूंट की जिसकी आपने क्वांटिटी मालूम करनी होती है उसके बाद स्टूडेंट्स आप उसकी मेजरमेंट करते हैं कैलकुलेशन करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं अपने एनालिसिस में यानी कि स्टूडेंट्स हम चैप्टर में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्तु टेक्निक्स के आप अपना डिज़ायर्ड एनालाइट एनालाइट यानी कि जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसको आप कैसे अपने केमिकल कंपाउंड में से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं उसको इम्प्योरिटी फ्री कर सकते हैं हम मुख्त टेक्निक्स आगे जा डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन को थैंक यू